व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भोरबन, जो मरी में भोरबन इलाका है, उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। इसमें इसकी लोकेशन, इसमें कितने फ्लोर हैं और कितने अपार्टमेंट्स और कितनी शॉप्स अवेलेबल हैं, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राना बिलाल अहमद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको रियल इस्टेट के मुतलक, ख्वाह वो प्रोजेक्ट हो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इसकी न्यू से न्यू अपडेट आप तक फ्राहम की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। व्यूअर्स, इंसान की लाइफ में जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो होता है उसका सुकून। इस सुकून के लिए, इन्वायरमेंट के लिए लोग जो उनसे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री में विज़िट के लिए जाते हैं, कुछ पाकिस्तान में ही। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, जो कि लोगों के लिए एक पुरसकून, जैसे कि लोग शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं और अपना उधर विज़िट के लिए जाते हैं, उधर अपना टूर अरेंज करते हैं। इसी तरह आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो मरी का जो इलाका है भोरबन, उसका टॉपिक है। व्यूअर्स, इधर हमारे पास पीसी के पास भी जोन सा रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें प्री लॉन्चिंग में भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, लॉन्चिंग प्राइस में भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। व्यूअर्स, जिस न्यू प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उसका जो नाम है वो है माउंट कैसल। ये एक प्राइवेट डिवेलपर्स हैं और बहुत ही वेल नाउन डिवेलपर्स हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो भोरबन का जो टूल टैक्स है, इसके लेफ्ट साइड पर इसकी ये लोकेटेड है और दो केनाल का ये प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स, इसके अगर इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ, इसमें जो फ्लोर होंगे, इसमें दो बेसमेंट हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है, और इसमें एक टॉप फ्लोर जोन सा है वो फोर्थ फ्लोर, उसमें पेंट हाउस जोन से हैं वो अवेलेबल है। व्यूअर्स, इसके जो बेसमेंट है उसका एरिया जो सा वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए है, और जो लोअर ग्राउंड जिसे सेकंड बेसमेंट बोला जा सकता है, उसमें इन्होंने जो सा है रिसेप्शनिस्ट और कॉन्फ्रेंस हॉल को जो सा है इधर अरेंज किया है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो सा है कमर्शियल शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसके बाकी जो सा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके पेंट हाउस तक जो सा अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 से 4 साल के पेमेंट प्लान पर जो सा अवेलेबल है। अभी इसकी प्री लॉन्चिंग जो सी बुकिंग स्टार्ट है। इसके जो स्टूडियो अपार्टमेंट जो सा इसकी 12 लाख से लेकर पेंट हाउस जो सा इसकी 63 लाख डाउन पेमेंट तक जो सा ये चीज़ अवेलेबल है। इसमें जो मिनिमम स्क्वेयर फिट है वो तकरीबन 550 स्क्वेयर फिट से लेकर 5,300 स्क्वेयर फिट तक जो सा इसमें अवेलेबिलिटी है। एक तो व्यूअर्स ये बात होगी कि इंसान जब अपना विज़िट के लिए जाए या टूर्स के लिए जाए तो ये चीज़ जो सी है यूज़ हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मरी में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। एक तो ज़रा सा कोई वीकेंड आए या कोई हॉलीडेज आती हैं तो लोगों का रुझान मरी की साइड पर होता है, एक तो खूबसूरती के लिए, और दूसरा उधर का इन्वायरमेंट जो सा बहुत पुरसकून होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसको देखें कि आप 3 से 4 साल के प्लान पे इसको अगर परचेज़ करते हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड चीज़ भी उधर लेने के लिए जाएं तो वो बहुत ही आपको एक्सपेंसिव मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारे पास उधर रेडी टू मूव अपार्टमेंट भी अवेलेबल हैं, 2 बेड भी अवेलेबल है, स्टूडियो भी अवेलेबल है। इस तरह ये प्रोजेक्ट, अगर ये जो न्यू प्रोजेक्ट है, ये जहरी बात है कि 3 से 4 साल के प्लान के ऊपर है। अगर आप इसको प्री लॉन्चिंग पर या सॉफ्ट लॉन्चिंग पर ही इसको परचेज़ करते हैं तो आने वाले वक्त में इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 12 मंथ में जो सा मरी का जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो 12 मंथ इनका जो सा काम है ये स्टॉप नहीं होता। अगर तो कोई अपने पर्सनल यूज़ में भी इसको लेना चाहता है तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको प्री लॉन्चिंग पर ही परचेज़ करे। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको परचेज़ करना चाहता है तब भी उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसको अवेल कर ले,
व्यूअर्स, अभी ये सॉफ्ट लॉन्चिंग बुकिंग पर जो सा इसका ये लॉन्च हो चुका है और अनकरीब जो सा इसकी डिगिंग और कंस्ट्रक्शन जो भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए जैसे पाकिस्तान के हालात हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए या कहाँ पर ना की जाए। तो हम टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम आपकी खिदमत में जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं वो बहुत ही सेफ़ एंड साउंड होती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ऑल ओवर पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।